बहन बेटी और माँ तो नाउबिल्ला मेरे मालिक हसब और नसब हरकत से पता चलता। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो गैस नहीं है और ऑन मोहम्मद ने क्या बताया, काम ही के पास जाना है, काम ही चला गया घर और ये कह रहे हैं मुझे उसके पास ही जाना है। तो मैं लगी हूँ ये पकौड़ों का सामान बनाने, पहले मैंने कहा ये बना लूँ, उसके बाद ना कढ़ी बनाने के लिए रखती हूँ। आज हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। ये है पालक, आलू, प्याज, उन्होंने लहसुन नहीं डालना ऐसे इधर रहने, ये तो मैंने बनाना है वैसे ना उसमें डालने के लिए। ये पालक दी है जी 10 रुपये, ये इतनी सी बस, पहले मैंने कहा ये भी काफ़ी है। इसे मैं अच्छे से धो रही हूँ, आलू मैंने पहले धो लिए थे, पालक और प्याज मैंने नहीं धोए थे, और अब जो है ना और कुछ भी ना। अच्छा मैं आपको भी देती हूँ और कुछ देती हूँ, ये बेसन वाले आते हैं, मेरे बेसन खाल के आएगी ना मैं देखते हैं। अच्छा मैं आपको देती हूँ, तो कैसे मैं कहती हूँ चरपाई खड़ी ना कर दो। हाँ जी है ना, ये जी हमारा, चलो मैं पहले इधर डालू और उधर उनके बच्चों का भी शोर है ज्यादा। तो ये हमारा बेसन और मामू की जूती है। हाँ जी, तो ताकि पकौड़े टूटे ना, और इसलिए मैंने जनसा ना थोड़ा सा ना 2 चम्मच आटे की डाले, उससे फिर ये पकौड़ा जनसा जैसे खिल जाता है ना, टूट जाता है, वो नहीं होता। तो अब इसमें डालो नमक और मक्खी ने भी हाल किया हुआ बहुत बुरा। ये जी नमक और ये मैंने ना पहले बना के इसलिए रख दिया कि फिर ये ना नरम हो जाता है इसका सारा मसाला। अपनी मर्जी है मिर्च डालें, अपनी मर्जी ना डालें, मैं डाल रही हूँ हल्की सी ना, ज्यादा तेज नहीं। और हाँ जी सूखा धनिया वो मैंने नहीं डालना, वो इसमें से छाटना पड़ेगा मुझे गर्म मसाले में से, क्योंकि इसमें मिक्स जी नहीं। अच्छा मैं अभी आपको देती हूँ, अभी इसने फीडल पिया है तंग करने के लिए जो है ना जी। मेरा बेटा ये सूखा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया, कमी आ गया आज इसको कमी ही मतलब, क्योंकि कमी घर गया गया इसे जो है ना टेंशन बन गई, और वहां बैठते हैं उन्होंने खा जाओ, और इसके जो है ना अच्छे से गोल रखते हैं पानी नहीं। ये पानी डाल देती है, ये जी हाथों की मदद से ही मैं कर रही हूँ इसे, क्योंकि चम्मच से फिर अर्जुन से ना सही तरीके से नहीं होता, ये साबुत मिर्च आ गई। चल कोई नहीं, अगर दूसरी मिर्च होती ना मोटे वाली फिर तो मैं बेसन वाली वो भी कर लेती कड़ी के साथ, और अभी से जो है ना रख देंगे जब तक हमारी कड़ी बनेगी ना, तो उस टाइम तक ना ये हर चीज़ इतनी नरम हो जाएगी, पकौड़े इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना। ये ले मुझे क्या चीज तो ये प्लेट कहाँ गई, ये मैं ढक कर इसे किचन में रख के जा रही हूँ यहाँ पर, और मेरा दिल है कड़ी नहीं था ना इसमें बना देते हैं। अच्छा अदरक
लहसुन पीसा जा रहा है यहाँ पे, मैंने कहा अदरक लहसुन और मिर्ची भी ना ये पीस लो पहले। धनिया भी धोने वाला है उसे धो दूंगी। चिमटा यहाँ पे भूल गई थी मैं, इनकी जरूरत पड़नी है। प्याज इसमें मैंने डाल लिया मैं, और बेसन ये है, आज गैस तो है नहीं तो मेरा दिल है कि और बेसन ऐसे ही डाल दूँ। पहले तो मैं अक्सर भून कर डालती होती हूँ, और ये हमारा बेसन और अदरक लहसुन नमक मिर्च हल्दी। तो टमाटर मैंने इसलिए लिए कि दही जो सा ना हमारा खट्टा नहीं है, है तो आधा किलो दही लेकिन वो खट्टा नहीं है जी। उन्हों क्या ना दू, अच्छा 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 ये भी मैंने ऐड कर दिया। और मसाला भून कर नहीं बना रही हूँ मैं कड़ी, आज थोड़ी जल्दी है ऐसे बना रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। और टमाटर मैंने जैसे बताया कि भाई मम्मा जी 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 ये वाला नहीं काटते मैं, ये भी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि कड़ी खट्टी नहीं है, देखूंगी अपनी थोड़ी सी इमली डाल दूंगी, दही खट्टा नहीं है, या फिर इमली डाल लूंगी या फिर टमाटर डाल कर लिया, बाकी बेहतर होगा इंशाल्लाह। मम्मा जी ने ये पकने के लिए रख दी हुई है। हाँ जी मैंने कड़ी रख दी है बनने के लिए, अब ऊपर चढ़ा दी हुई है, इंशाल्लाह बनी जाएगी जब तक गैस आएगा। क्या भेजने वाला है पता नहीं है, काशी मामू ने नहीं पी, मामा जी सुनती है। आलू कल इसी से लिए थे ना। हाँ जी अच्छा वहां रखा मुझे लगता है मुझे ना चेयर पे बैठना पड़ेगा। मद ने ना शापत भरा पानी का और यहाँ पे लाकर फेंक दिया है, ये इस गंदे से बच्चे के काम है ना। शुक्र है कि इस लीड में पानी नहीं गया जी। और क्या अक्षर छोटे को लेके घूम रही है, उसने उसको तंग किया हुआ काफी ज्यादा। ये मेरा शहजादा बच्चा कहा हुआ है, कहा हुआ है अगर मैं सालन बना रही हूँ तो इसने तंग किया हुआ है। मैंने कहा फीडर पिला के देखती हूँ, मगर फीडर भी अपना नहीं पी रही है। कू भाई ऐसे ही है, ऑन मोहम्मद ने कर लिया अपने कपड़े गीले, ठीक है तो इसके अब कपड़े चेंज करवाती हूँ क्योंकि पानी में खड़ा था वहां पर, और ला कर जो छप भर के वहां पानी का पेकर जैसे उन्हें बताया कि अल्लाह ने बचा लिया कि तो बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो फिर वहां पर टाकी वगैरह लगाई है, बाकी कड़ी भी देखती हूँ। और इसके ऊपर ने इसकी कैप लगा दी, कैप्शन ये पी नहीं रहा इस वक्त ना, जिद पे है इसने आना है मेरे पास जी जी। अब खेलना है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये पलस ले गए ना मेरा पीछे पीछे है मेरे, इसमें से पैसे लूंगी। ये कड़ी हमारी बन गई है जी जी। चॉकलेट वाला बिस्किट लेना है, अच्छा कौन सी खरीद हो इधर ये अच्छा मैं देती हूँ चॉकलेट वाला बिस्किट।
ये हसरत हाँ, क्या दूँ, क्या चाहिए बोलो। नहीं आप इधर 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 से आओ, इधर से आओ। मैं देती हूँ कि 10 रुपये दूँ। हाँ जी अच्छा, मैं ले भी देती हूँ आपको, चॉकलेट वाला बिस्किट ले लीजिए अभी से। अकेला जाऊंगा, कहता मैं मम्मा जी अकेला जाऊंगा जी। बिस्किट काके का भी ले आए? अच्छा दिखाओ इधर मुझे पैसे। हाँ। ओए इधर दिखाने से। हाँ। ओए चोनू मोनू का कर रहे हो? मम्मा मेरा तो टूटा है। आपका तो ये ले जी, ये चेंज कर लो। ठीक है ले लो। हाँ मैंने आपका ले लिया। और इधर धुआं भी काफी ज्यादा हुआ है, और इधर कड़ी भी हमारी बन रही है, और कैक्शा ने वहां पे जाकर लिटा दिया हुआ। आप तंग करते हो ना, आप गंदे बच्चे हो। अच्छा वो कहाँ गया, क्या नाम है इसका? नहीं पकौड़े वाली कढ़ाई तो आई है, इसमें बना लो। नहीं नहीं ये है ना, इसमें बनाएंगे। मम्मा मेला खोल दो। सारे बर्तन तेरे इधर जमा करूंगी, तेरे पर धोऊंगी। मैंने कब जाना था ना पहले? तो ये हमारा पकौड़ों का सामान, और मैं लगी हूँ अब पकौड़े बनाने। जी अनु मेरे को पहले ना पकौड़े बना ले, तो फिर हल्के हल्के आँच पे ना ये खुद ही पकती रहेगी। जी अनु हाँ जी हाँ जी हाँ जी, छोटे ने भी कैसा धोना शुरू किया हुआ है। हाँ जी आप उसे ना कौन बना के ना मेरे पास। क्या हुआ है? किसी ने मारा मातू का? किसी ने मारा? अरे चलो ओ ओ हा हो आ ना छाप कर लो, छाप छाप छाप। हाँ जी मेरा बेटा वहां से ना दो मुझे। हाँ जी ये घी और कुछ ला रही मजी बेटा। और कुछ और समझ आएगा बस, जिसमें से पकौड़े निकालने कढ़ाई ला दो, जिसमें वो कढ़ाई कहते कुनाली। हाँ जी वो ला दो जी। ये इसका ढक्कन भी ला दो मुझे, इस पर ढक्कन ढक दो। ठीक है ये ना बाद में पकती रहेगी। ठीक है ना ओनो आप पीछे हट जाओ, मुझे तंग नहीं करना अब। ठीक है मुझे सिर्फ इसका डर, मैं डांटती बहन भाई इसी इसलिए क्योंकि जिस दिन से इसने आग लगाई है वो भी डर लगता है। और फिर अब जो इसने पानी फेंक कर ना यहाँ पे लीड पे गया, लीड बच गई, लीड पे गिरने से मोबाइल पे तो थोड़ा सा गिर गया। हाँ जी मोबाइल पे भी गिरा था पानी, मैंने शादी चादी पे लगाया था। इतना मेरी बात सुनो, ये आप किचन में रख के आओ। ठीक है नहीं काके को नहीं मारना आपने, ये तो मम्मा मैं काके को मारूंगा। कनाली कैक्शा लेकर आई है इसमें पकौड़े रखने के लिए। घी तो हमारा गर्म हो रहा है, पकौड़ों का सामान हमने ये बनाया हुआ अपना, कड़ी अभी कच्ची है मैंने कच्ची उतार दी है। कैक्शा कौन ले आओ, उसमें लिटा दो इसे मेरे पास। कौन मोहम्मद ने कुछ झूले देना शुरू किए हुए थे और वो चुप कर गया हुआ था। जी जी अब फिर मेरे पास आओ, यहाँ बैठो इसके झूले दे दो। टॉफी मेरे पता से है टॉफी उसको चले जाओ। छोना मोना
पीछे हट जाओ। और सर चूहे भी डर लगता मुझे इसका ना, बाकी नहीं ये लो क्योंकि ये तो बच्चा है इसे तो पता नहीं है। क्या हुआ है? धुएं को पकाऊं? अच्छा मैं पका देती हूँ, देखो भैया बातें कर रहा है आपसे। छोटा छा छोटा छा तोता था भैया ये क्या कह रहे हैं? ये अल्लाह ने दिया हमें। आपने दुआ की थी ना, बस फिर अल्लाह ने दिया हमें ये। हाँ जी अल्लाह ने दिया ना, तू इतनी पी लो। मैं कौन हूँ? मैं आपकी मम्मा हूँ। हाँ मैं केचा की मम्मा भी हूँ जी, मैं की मम्मा भी हूँ। क्रीम डोर लेके आया, आधा तोड़ के मुझे दे दिया, 30 रुपए जाया करवाए। नंगे पाओ और कपड़े गीले, कपड़े भी चेंज नहीं करवा रहे है ना। फिर बैर भाई कहते हैं कि आप कौन मोहम्मद का ख्याल नहीं रखते। भाई ख्याल हम बहुत रखते हैं, मैं अपनी जान से भी कह रहे हैं। ये पकौड़े इधर कड़ी रखी हुई है। मकड़ी बन गई है? नहीं कड़ी भी कच्ची है, आधे से ज्यादा बन गई है। तो मेरे का पहले ना मैं पकौड़े बना। अच्छा कितने घंटे हैं इसमें? कड़ी आधा घंटा। पिछड़ जो नहीं खाना नहीं है, ऐसे नहीं खाते होते, ऐसे बुरी बात होती है। मम्मा जी इसको कपड़े पहना के शूज पहना दूं? हां इसे कपड़े पहना के शूज कर। ठीक है तो भैया गट्टू में इसके शूज याद है अभी तक? मुझे याद भी नहीं था। वो गट्टू में उस दिन डाले थे ना जब हम आए थे, तो मैंने कहा था इसे ना इसमें रख लो। मोहम्मद तैयार हो गया, इसके कपड़े चेंज करवा दिए इसके अपने ने, और गैस आ गया था, मैंने कड़ी यहाँ पर रख दी है पकने के लिए। जी जी अनु, अच्छा अच्छा, और वहां से वो सारा सामान मैं उठा लेती हूँ अभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी, ठीक है। तो इसका ढक्कन जो ना कड़ी का, कड़ी पे दे जाओ, आके पकाऊंगी इसे। ये खराब दे जाती है इस पे। मम्मा जी। जी जी मेरा बेटा, बस मैं तैयार हूँ चल से। नहीं बिल्कुल, काके को झोले में से निकालो। हाँ काके को निकालो आप, चलते हैं फिर, बस जाना लाना करना हमने, तो किसी काम से जा रहे हैं। बहुत जल्दी से कोई काम पड़ गया, मैं तो कॉल आइए उस मार दे। जी जी यहाँ की कुंडी लगा दिया आपने, चलो ठीक है जल्दी करो। ठीक है आप ये ना जूस अपने बंद करो, सही है ना? मैं ना मैंने एक काम करूंगी, मैं फुजैल को गोद में ले लूंगी, आप और मोहम्मद का हाथ पकड़ लेना। और मोहम्मद का ना हाथ पकड़ लेना, ठीक हो गया। चलो मम्मा चाबी मेरे पास है। अच्छा ये आपने पहले भी थी तो आप लेकर ये भी कोट पहन ले मेरे। हाँ इसने कहा मैंने ये वाला कोट पहनना है, चलो फिर। जी ये इसको काटा हुआ मच्छरों ने और ये लेटा इस पर पापा को, जो मैं नहीं लेती, मैं तो हाथ कर रहा है, अब नहीं लेती मैं, अपना काम करूँ भाई। तो क्या से फीडर छूट चुका है ये भी अपने पापा को तंग कर रहे। तो जनाब कैसा रहा आपका टूर? ठीक ठाक चले, सही है। मैं फिर वो तड़का लगा लूं। हाँ लगाओ तड़का। हाँ नंगे कहीं हाथों की लकीरें चेक कर रहे हैं। ओहो तुम्हारी हाथों की लकीरों में तो मैं ही मिलूंगा तो। ये तो है ना, अल्लाह आपको ही रखे। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए सपना। तो मैंने ना मेथी भी इसमें ऐड कर दी हुई थी,
सूखी मेथी जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं कसूरी मेथी, जो अक्सर लोग उसे मसाला भूनते हुए डालते हैं। तो और ये हमारे गर्मा गर्म जी पकौड़े और ये काम भाई, ये तो हम सबकी आदत है, एक मुझे भी दे दो। इससे पहले कि तू आए तेरी आंखों में फिर लहू आए, तेरी आंखों में फिर पकोड़े आए, है ना? ये लो। इसने शाम भी नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्या अक्सर मैंने खाए, ठीक है। और ये हमारा कड़ी पकोड़ा हो चुका है जी तैयार। तेज पत्ता नहीं था, मैंने वो नहीं डाला जी। क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। अच्छा, गाड़ी निकाली है भाई। तो क्या अच्छा, आप क्या कर दिए जी? आप क्या करने लगी हो? चलो ठीक हो गया। ओके, सदके जाऊं मैं, कुर्बान जाऊं। क्यों, क्या हुआ? कपड़े ही पूरा आ रहा। सीधा के पकड़ना नहीं आ रहा? नहीं, वो कपड़ा भी पूरा। अच्छा, ये बहुत पूरा आया था। तो कड़ी हमारी हो चुकी है जी तैयार। ये हमारा कड़ी पकोड़ा। माशाल्लाह, पैर से हटाना। क्या चीज? कैन पाँव से? क्यों, अल्लाह ने हाथ दिए हुए ना, तो हाथ से। अच्छा अच्छा, तो इधर क्या है जी? ये कुर्बान जाऊं। थैंक यू सर। कुर्बान जाऊं। अच्छा, तो जी जनाब ने रख दी ये यहाँ पर चाय बनने, और उधर रखा फुजैल का पानी, इसमें भी मैंने पका दी। अच्छा, ये देने के वो बर्तन मुझे धोना ना पड़े। कौन सा? उसमें सुबी ना लगानी पड़े। मुझे वो नजर ही नहीं आया। तो जनाब यहाँ से वो दूसरे जो सॉस पान है वो धो लेते। अच्छा, आप तो मशहूर है दान मुरीदी में बर्तन धोने में, झाड़ू लगाने में। लोगों ने तो आपको इतना फेम दिया हुआ है, मगर लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मुझे शोहर अल्लाह ने अच्छा दिया कि बहन बेटियों को गाली तो नहीं देते। जैसे अस्तगफिरुल्लाह, देखा है ना कैसे कैसे गालियां दे रहे हैं वो, सुना है ना? सुना है। आपने सोनू सिस्टर की वीडियो नहीं देखी? नहीं देखी आपने? तुम्हें पता है मेरा 3-4 दिन से मोबाइल खराब है। हाँ, आपका मोबाइल खराब है, लेकिन मैंने देखी है। आयशा सिस्टर की भी नहीं देखी? किसी की भी नहीं। अच्छा, वो उन सिस्टर का मैंने आपको पैगाम भी नहीं दिया, उनकी वॉइस भी नहीं सुनवाई आपको? हाँ, वो तो सुनवाई थी। तो वो देखी है ना? हाँ, वो सुनी है ना? सुनी है। वो तो इंतहाई बगैरती का सबूत दिया है, जिसने भी दिया है। मुझे ऐसा, मेरे ख्याल उनके घर में माँ बहन नहीं है। जी जी, वो ना इज्जत करना जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है उनके घर में ना, क्योंकि ओन मोहम्मद ये वाजे लगा दे। बहन बेटी और माँ, औरत के वो दर्जे हैं, ठीक है ना, जो अल्लाह ताला की एक नेमत है। बेशक, ठीक है। और अल्लाह की इस नेमत को गाली देना हमारे मजहब में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है हमारे मजहब में, किसी मजहब में भी नहीं है। मजहब इस्लाम में अल्लाह की किसी नेमत को गाली देना तो अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह मेरे मालिक, वो दिन हमारा जिंदगी का आखिरी दिन हो जब मैं कोई इस किस्म की बात कर रहा हूँ। ओन मोहम्मद ने किया वह तंग, आज क्यों शोर मचाया हुआ मुझे बताओ, क्या मसला क्या आपको है? बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? इधर चूहा था। आपसे बढ़ के कुछ चूहा है? इधर देख लीजिए, कैक्शन भी ये लेटी हुई है। तो रात हो चुकी है ज्यादा, और जनाब ने रख दी है यहाँ पर चाय बनने के लिए। अच्छा, तो सर एक बात कहूँ, जो मुझे नाचने वाली कहते थे, दूसरों को, दूसरी बहनों को भी कुछ से कुछ कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह शरेआम उनकी डेली डांस कर रहे हैं वो। देखो, जो जैसा है असलत को दिखाएगा। तो फिर देखा जाए नाचने वाला कौन हुआ? मैं नहीं, हमें कहने की जरूरत नहीं। वो खुद तस्वीर पेश कर रहे हैं, खुद दिखा रहे हैं। कहते हैं ना, ऐसा कोई नसर हर कास से पता चलता है। हाँ जी,
अवाम समझदार है, अवाम समझदार है। हसब और नसब हरकत से पता चलता है उनकी, जैसे यानी कि वो दूसरे अल्फाज में कहो ना कि वो ऊंट के पैर और पालने में नजर आते हैं। हाँ जी हाँ, ये ऊंट के पैर या पूत के पैर इस तरह की है कोई मिसाल पड़ोगी ना कि वो पालने में नजर आते हैं। अच्छा तो ये तो पालने से बाहर आ गए, लेकिन क्या है कि बस गाली वाली बात हो जाएगी। चले कोई नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह। मैं कभी किसी को इस तरह गाली देना नहीं जाता, और ये गाली वाली बात हो जाएगी जो बात मैं कहने लगा था। चले ठीक है बदर, अल्लाह ऐसे बंदों को हिदायत दे, क्योंकि हम जो बात मैं कहने लगा था वो हम समझे तो गाली, वो समझे तो गाली नहीं, वो तो खैर इज्जत जिनके लिए आनी जानी चाहिए वो उनके लिए क्या है, यही बात है। चले ठीक हो गया, रोटी चेक करते हैं कितनी क्या ओए होए, हमें कोई होए कह दे तो लग जाता कि है ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ही हाजी हैं आज सबके सामने हैं, उमरा कर आए हैं और लेडीज वाले कपड़े पहनकर डांस किया जा रहा है। तो मैं उन बहनों को लाजमी ये पैगाम दूंगी, मेरी बहन ने अल्लाह पर छोड़ो, क्यों के कोई फायदा नहीं है, वो खुद ही अपनी हरकत जो उनसे ना दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं है। तो वो कहते हैं ना, अगर किचन में बट्टा मारोगे गंद अपने पे आएगा। देखो, मैं ख्वाहिश मान लू अल्लाह का घर देख ले, ठीक है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी अल्लाह से जिद है कि उसने मुझे दिखाना है। मैं हर दुआ में हर नमाज में अपने रब से मांगता हूँ कि मुझे तेरा घर देखना है, मुझे नबी का रोजा देखना है। बस जो लोग देखकर आए हैं उन्होंने उसकी कदर नहीं की, और हम तो यहां बैठकर भी अपने दिल में रखे बैठे हैं, यहां बैठकर भी अपने दिल में रखे बैठे हैं। दिखाएगा मेरा मौला मुझे, मैं लाजमी अपनी माँ के साथ इंशाल्लाह लेकर आऊंगा मैं इंशाल्लाह। मुझे पता है मेरे मालिक ने मेरी झोली कभी नहीं मोड़ी और आज भी नहीं मोड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की उसने, मेरी जबान से निकली हर बात उसने पूरी की। मेरे मालिक का मुझ पर बड़ा एहसान है, मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है, लेकिन ये जिद है मेरी कि मैंने जाना है तेरे घर, अल्लाह बुलाए और अल्लाह से जिद है कि मैंने जाना है तेरे घर। बेशक बेशक अल्लाह बुलाए हम सब बहन भाइयों को, और उन सिस्टर्स को कुछ कहेंगे जो सिस्टर कह रही थी, सबर करो बस, सबर का दामन हाथ से ना छोड़ो। इस किस्म के कहते हैं ना कि वो बाहर बहुत फिरते हैं। हाँ जी, रातों को लोगों पे भौंकते हैं जी, और कोई गाड़ी के नीचे आके मर जाता है, तो कोई किसी को ट्रक कुचल कर चला जाता है, कोई ट्रेन के नीचे आके मर जाते हैं। बस आप सबर रखें, समझ तो गए, मैंने भी सबर किया है ना, आप भी सबर रखें बस।